अभी जो इस डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ट्राउट दिया गया, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितना इम्पोर्टेंस है ट्राउट फार्मिंग का। अभी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है इसमें करीबन 250 के करीब फार्मर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं, मतलब एस्टैब्लिश्ड है, वेल एस्टैब्लिश्ड, और इनकी जो टर्नओवर है आई शुड से प्रॉफिट ये 5 लाख से 20 लाख तक यहाँ पे जाता है, क्योंकि जिस जितनी हाई लेवल पे ये मतलब इनकी जो प्रोडक्शन रेयरिंग कैपेसिटी हो जितनी ज्यादा हो उतना उनको टर्नओवर ज्यादा होता है, जितनी थोड़ी शॉर्ट लेवल का हो तो उससे उतना कम मतलब फायदा मिलता है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो लास्ट ईयर हमारा ट्राउट प्रोडक्शन था वो 60 मीट्रिक टन के करीब था, तो दिस ईयर इस साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 100 मीट्रिक टन क्रॉस कर जाएगा। ये खाली मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो इससे आपको बखूबी आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितना पोटेंशियल है, कितना एक वो प्लेटफॉर्म मिल सकता है हमारे जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स है उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए कितना पोटेंशियल यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि ये वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट ऐसी किसी डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिलता है। तो जैसे यहाँ पे स्टडी किया गया है कि यहाँ पे बहुत सारे आबी वसाइल है, चाहे वो नदी नाले हो, चाहे वो स्प्रिंग सोर्सेज हो, चाहे वो अंडरग्राउंड ऊजिंग हो, तो जो कि परफेक्ट है ट्राउट कल्चर के लिए। तो ये स्टडी किया है, भरपूर स्टडी की गई है और इसी की बिना पे और जो सक्सेस, क्योंकि कोई कहीं पे कोई चीज एस्टेब्लिश हो जाए ठीक है, फिर उसकी सक्सेस रेट इसकी कितनी है, तो वो चीज इसको पूरा एनालाइज की इसको स्टडी किया जाता है, तो तभी जाके इसको ये वन प्रोडक्ट में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इंक्लूड किया जाता है। तो हमारा जो ये डिस्ट्रिक्ट है इसमें काफी पोटेंशियल है, तो मेरा यही नौजवानों से मेरा यही इस्तेदा है कि वो अपना टाइम जाया ना करें, अगर उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनके पास लैंड है, वाटर सोर्स है, तो उनको फटाफट यहाँ पे आना चाहिए, हम उनको तरबियत देते हैं, हमको अवेयर कराते हैं। अवेयरनेस तो हमारा एक पार्ट प्रोग्राम ही रहता है, वो हम हर जगह करते हैं जहां जहां हमें टाइम मिलता है, चाहे ब्लॉक लेवल पे हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। अभी हाल ही में बहुत सारे ये स्टॉल्स लगे हैं, चाहे श्रीनगर मतलब चाहे यहाँ पे पहलगाम में, अनंतनाग में, कुलगाम में, तो हमारा यही मुद्दा मकसद होता है कि जो हमारे ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों को इस स्कीम के तहत एक जानकारी मिले, ताकि वो अपने आपको परेशानी में न रखे, शल से बाहर आए, क्योंकि जितना इंसान पैसिव स्टेज में रहता है तो फिर इंसान की डिग्रेडेशन हो जाती है। आप शक शुबे में है कि क्या मैं इसमें फिट हो सकता हूँ, आप हमारे पास चलो हमारी बातों को आप मत मानिए, आप डायरेक्टली उन फार्मर्स के पास जाइए, आप हमारे पास जाइए, हम उनको आपको उनके पास ले चलते हैं, तो फिर मतलब खुद आप इंटरेक्ट करिए उनसे, आपको फिर पता चलेगा कि नहीं ये वाकई में एक बहुत ही प्रॉफिटेबल है। जितनी हाई स्केल पे इसको एस्टैब्लिश करोगे, इस पर ज्यादा जान डालोगे, तो आपको ज्यादा ही ज्यादा फायदा है। तो इसलिए जो ये बेरोजगार नौजवान है, मैं उनसे इस तरह करता हूं कि वो इस स्कीम के तहत भरपूर फायदा उठाए, क्योंकि टाइम टाइड वेट फॉर नन। तो आपको खुद पे इनसार करना चाहिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स पर स्कीम्स हैं, फाइनेंस स्कीम्स हैं, हमारे पास भी स्कीम्स हैं, आप इनको लाभ उठाइए, डिपार्टमेंट के पास जाइए, बहुत सारी स्कीम्स हैं, आपको कहीं भी मतलब मुझे लगता है अगर कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट के पास जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, तो आपको मुझे लगता है दिल शिकस्ता नहीं होंगे, आपको डेफिनेटली कोई पॉजिटिव वहां पे एक सोच मिलेगी, और मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को इन स्कीम पर डालोगे, इनका इस्तेमाल उठाओगे, तो आपको आपका रोजगार इंशाल्लाह आपको आसान से मिल सकता है, बेनिफिट तो बहुत ज्यादा है। देखिए आप, मैं आपको जबान कुछ बात बोलूं, 1:1:2, 2:4, 4:6 मैं ये बात नहीं कहूंगा आपके, आपको मैं सिंपली आपको इनको जवानों को बोलता हूं कि आप हमारे प्राइवेट फार्म्स के पास जाइए, हमारे प्राइवेट फार्म्स का टर्नओवर इस टाइम वो है 5 लाख से 20 लाख, आप फिर अंदाजा लगाए कि महीने का कितना बनता है। तो ये जो ट्राउट फार्मिंग है ये आपको 5 से 20 लाख तक दे सकता है साल में, साल की बात है, और आप इंडिपेंडेंट हो, यू आर मास्टर ऑफ योर ओन बिजनेस। मार्केटिंग आप बोले मार्केटिंग की आप फिक्र मत करो, डिपार्टमेंट बैठा है इस पे, ऑफिसर्स बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे डी साहब बैठे हैं यहाँ पे, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हो भी रहा है, कर भी रहे हैं, आपको हम इंशाल्लाह इस जिम्मे मतलब इस जिम्मे परेशान नहीं होने देंगे। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारी टाइम पे टाइम स्कीम्स आती थी, आती है और आती रहेंगी, गवर्नमेंट बैठनी वो सोच विचार करते हैं, प्लान्स बनाते हैं,
तो आप परेशान मत होइए, जो आपका हार्वेस्ट है, जो आपका प्रोड्यूस है, इसको हम बेस्ट प्लेटफार्म पे ही सेल करके दाम लेंगे। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, आप आइए, इसका इसको स्टडी करिए, हम आपको स्टडी कराएंगे, हम आपको प्रैक्टिकल टूर कराएंगे, तो ताकि आपका जहन बढ़े, आपकी आंखें खुल जाए, आपका सोच बढ़ जाए, और आपको इंशाल्लाह एक बेहतरीन ज़िंदगी का ज़ामिन है ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ताकि आपका बेहतरीन तरीके से आपका रोज़गार हासिल हो गया, आपकी इज्जत बढ़े, आप पैसे वर्ल्ड से बाहर आ जाओ पॉजिटिव थाट्स के साथ, कन्विक्शन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, अच्छे ख्याल के साथ, और इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का आप बखूबी आप इसका फ़ायदा उठाइए और अपने ज़िंदगी को संवारिए। और मेरे पास फिश पॉन्ड्स है जो मैं चला रहा हूँ 2018 से, तो मैं शुक्रगुजार गवर्नमेंट का हूँ जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को ट्राउट डिस्ट्रिक्ट करार दिया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। ये खुशी की बात होती है कि अनंतनाग को ट्राउट डिस्ट्रिक्ट करार दिया है। एक्चुअली मैं बीएससी लड़का हूँ, बीएससी मैंने 2018 में कंप्लीट की है, तो उसी के साथ साथ मैंने सोचा कि मैं सरकारी नौकरी का वेट न करूँ, तो इससे तो मैं चाहता था कि अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने माँ बाप का सहारा बनूं, तो फिर मैंने अकड़ पार्क में स्कीम्स के तहत फिशरीज़ की कुछ प्रोग्राम हो रहा था उधर, स्कीम का प्रोग्राम हो रहा था, तो मैं उधर गया, तो मैंने स्कीम्स के बारे में सुना कि कैसी कैसी स्कीम्स हैं जो इंसान को फ़ायदे दे रहे हैं। फिशरीज़ की स्कीम्स बहुत मुझे अच्छी लगी, PMSSY जो स्कीम है मुझे बहुत अच्छी लगी, तो फिर मैंने काम किया, तो मैं महकमा फिशरीज डिपार्टमेंट के पास गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अपने लैंड का जो प्रोसेस होता है उसका जो डॉक्यूमेंट्री होती है तो वो हमारे पास दे दो, हम मुआयना करेंगे ज़मीन का, और मेरे पास जो बेस्ट है वो मेरी लैंड है, और मेरे पास जो कुदरत का वसाइल है, जो पानी है, वो मेरे पास सबसे ज़्यादा है। तो फिर वो महकमा फिशरीज डिपार्टमेंट के आए, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर मुआयना किया, तो फिर हमें दो यूनिट्स दिए, मेरे चचेरे भाई को और मेरे को 2018 को। उधर से मैंने फिर बहुत बेनिफिट हुआ, 2020 में मैंने सेल किए तो बहुत बेनिफिट हुआ, मैं शुक्रगुजार फिशरीज़ का हूँ जिन्होंने मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया। तो मैं इसके अलावा इसके बरक्स मैं 4 लोगों को और रोज़गार देता हूँ। दरअसल हम 22 अफराद है, जॉइंट फैमिली है, जो होली एंड सोली डिपेंड ऑन फिश इस पॉन्ड पे है। तो मैं नौजवानों को गुजारिश करता हूँ जो गवर्नमेंट नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो नौकरी का इंतज़ार ना करें, कि गवर्नमेंट के पास लातादाद बहुत स्कीम्स है, आप अपने पैरों पे खड़ा तो हो जाइए यार, आप खुद देखिए कि कितने फ़ायदे हैं, कितने इसमें कितने फ़ायदे हैं, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ हो, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हो, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे जो भी है, आप उसमें अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ यार, सरकारी नौकरी पर आप एतमाद मत रखो, क्योंकि अपने पैरों पर खड़ा चलना सीखो। तो मैं इसके साथ साथ फिशरीज डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ तहे दिल, हमारी फैमिली होली एंड सोली डिपेंड ऑन दिस फार्म। तो जो हमें ये इसके साथ साथ हमें ये सीड को पालने के जो मंथ्स लगते हैं कि कैसे इनका अवेयर करें, आज ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, तो महकमा फिशरीज़ के अफरा जो मुलाजमिन हैं वो हर टाइम अपना टाइम निकाल के हमें अवेयर करते हैं कि किस तरह ब्रूड को रखें, किस तरह ब्रूड से एग्स निकालें और उनकी पिकिंग करें। तो बहुत मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ महकमा फिशरीज।